Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी कीमा करेले। कीमा भरे करेले तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, लेकिन आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी लाई हूँ कीमा करेले। चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, आपने करेले लेने हैं। मैंने यहाँ पर 1 kg, 1/2 kg से थोड़े ज़्यादा करेले लिए हैं और इस तरह से मैंने उनको बीच में से कट करके जो भी उसका सेंटर वाला पार्ट होता है, सीड्स होते हैं, पल्प होता है, वो सब सेपरेट कर दिया है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से इसका सेंटर वाला पार्ट रिमूव करके करेलों को वॉश करके रखा है। आप चाहें तो इसका जो सेंटर पोर्शन होता है सीड्स के साथ, उसको फ्राई करके और जो है मसाला लगाकर खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी होते हैं। लेकिन मैं इसको अपनी रेसिपी में ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो बीज मुँह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। अब आपने करना ये है कि इस पर अच्छी तरह से सॉल्ट लगाकर इसको 15 मिनट से 1/2 आवर तक के लिए आप इसको रख सकते हैं। अगर आप 1/2 आवर ना भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रेसिपी से आप बनाइए और आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। कुछ लोग इसको धूप में सुखाते हैं घंटों घंटों और वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, इसका जितना भी वाटर होता है वो सब ड्राई हो जाता है। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेश करेले बनाइए और इस रेसिपी के ज़रिए बनाइए और आप देखिएगा कि ये कितने मज़े के बनेंगे। ये जो पोर्शन है इसका सेंटर वाला, इसको मैंने उठाकर रख लिया था सेपरेट करके और मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी। तो अब मैंने इसको कर लेना है वॉश और इस पर जो भी सॉल्ट लगाया हुआ था उसकी वजह से हम इसको वॉश करेंगे ताकि जो सॉल्ट है वो सब जो है धुल जाए अच्छी तरह से और ये करेले बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना हो। अच्छे से वॉश करके इसको मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था और साथ ही मैं इसमें करेले के लिए प्याज चॉप की है। प्याज 1/2 kg से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी जितने मैंने करेले लिए थे उतनी ही प्याज ली है और उनको बहुत ही बारीक जो है वो कट कर लिया है। और बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं इस क्लिप में। करेलों को देखें, मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, आप देख सकते हैं ये 1 inch के एक एक पीस है और आपने भी इसी तरह से कट करना है क्योंकि इस रेसिपी में करेले जो मैं बना रही हूँ वो मैंने इसी तरह से ऐड करने हैं। साथ ही प्याज मैंने इसमें ली है, मैंने आपको बताया था कि मैंने प्याज उतनी ही ली है जितने मैंने करेले लिए थे। और टमाटर लिए हैं, टमाटर मैंने 3 से 4 लिए हैं लार्ज साइज के और छोटे छोटे उनको कट कर लिया है। 7 से 8 हरी मिर्च हैं, 2 teaspoon फुल मैंने इसमें अदरक लहसुन का लिया है और जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड की हैं वो वही स्पाइसेस हैं जो बाकी चीज़ों में ऐड होती हैं। दाना मेथी हम इसमें ऐड करेंगे, दाना मेथी क्योंकि करेले कीमा में यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे। दाना मेथी मैंने 15 से 20 दाने लिए हैं क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये कड़वी कर देती है सालन को। सौंफ मैंने ली है 1 teaspoon फुल, 3 से 4 मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च के लिए हैं, ज़ीरा लिया है 1 teaspoon फुल, कलौंजी ली है इसमें मैंने 1/2 teaspoon, हल्दी ली है 1/2 teaspoon और पिसी हुई मिर्च ली है लाल वाली 1 teaspoon फुल और गरम मसाला लिया है 1/2 teaspoon और इसके अलावा मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च ली है 1 teaspoon फुल और सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। तो ये थे इसके सिंपल से स्पाइसेस जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं और चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेलों को फ्राई करेंगे। मैंने उसके लिए 1 cup ऑयल लिया है कढ़ाई में और इसमें मैं करने वाली हूँ करेलों को फ्राई। करेलों को हमने 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए और इसको ओवर कुक नहीं करना और ये 1/2 cook हमें करना है और फिर हम इसको बाद में अपनी रेसिपी में ऐड करेंगे। और आप देखिएगा कि मैंने इसको कितना फ्राई किया है।
जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये लाइटली क्रिस्पी होने लगे तो मैं इसको स्ट्रेनर से सेपरेट कर लूँगी। और देखें आप इस क्लिप में कि ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हुए हैं, नॉर्मल फ्राई हुए हैं। अब मैंने इस स्टेप पे इसको सेपरेट कर लेना है और इसको एक अलग बाउल में रख देंगे और फिर हम इस ऑयल में ऐड करेंगे प्याज जो हमने चॉप की थी। इसके लिए प्याज को मैंने करना है नॉर्मल सा लाइट पिंक सा कि वो प्याज नरम हो जाए। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नरम करना है प्याज को ताकि हमारी प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और फिर हम उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करें अगर आपको लगे कि ऑयल कम है, क्योंकि हम इस ऑयल में पहले करेले फ्राई कर चुके हैं तो मे बी ऑयल जो है वो उसकी क्वांटिटी कम हो गई हो, तो अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सरसों का तेल और ऐड किया था, आप चाहें तो कोई भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि मुझे ऑयल कम लग रहा था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हमें सॉफ्ट करना है। जब प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसमें अपने बाकी स्पाइसेस ऐड करूंगी। ये देखें प्याज कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और इसका जो अमाउंट है वो भी कम हो गया है। तो अब मैंने इसमें लाल मिर्चें ऐड की हैं, जो साबुत लाल मिर्च मैंने ली थी ताकि वो ऑयल में थोड़ी सी फ्राई हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। साथ ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो भी इसमें मैंने लिया था दाना मेथी, सौंफ, कलौंजी और ज़ीरा, ये चारों चीज़ें मैं प्याज में ऐड कर दूंगी साबुत लाल मिर्च के साथ और इसको हम ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और देखें प्याज कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने इसमें अपने बाकी स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने इसमें कीमा ऐड किया, कीमा मैंने लिया था 1 kg, 1 kg कीमा इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लेंगे ताकि कीमे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और कीमा अच्छी तरह से भुन जाए और अदरक लहसुन की जो लीक होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब इसमें अपने बाकी स्पाइसेस ऐड कर लेंगे जिसमें मैंने पिसी हुई मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और कुटी हुई मिर्च ली थी। इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, साथ ही इसमें जो हरी मिर्च मैंने ली थी वो कट करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये कीमा बारीक है तो जल्दी गल जाएगा, तो मैंने इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना। 10 से 15 मिनट में हमारा कीमा बन जाएगा। 1 cup वाटर अगर आप चाहें तो ऐड करें, मैंने इसमें 1/2 cup वाटर ऐड करके इसको कवर करके रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ना। आप देखें 10 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया तो हमारा कीमा गल चुका था। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है। फ्राई करना है इसको अच्छी तरह से कि इसमें जितनी भी हीक है कच्चे कीमे की वो ख़त्म हो जाए। इसको टेस्ट करें अगर आपको इसमें कम लगे स्पाइस, क्योंकि मैंने इसमें प्याज ऐड की है, प्याज जो है वो सालन को मीठा कर देती है, तो आपने इसे टेस्ट ज़रूर करना है। मैंने टेस्ट करके इसमें मज़ीद स्पाइसेस और ऐड की थी और मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया भी ऐड किया था, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पीस कर ऐड किया था और साथ ही गरम मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड की थी। अब जो मैंने इसमें करेले फ्राई करके रखे थे उसको मिक्स कर दिया है, 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि ये जो करेले हैं वो फुल कुक्ड हो जाएं। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अब ये देखें हमारा जो कीमा करेले हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था क्योंकि करेले पहले से गले हुए थे, मैंने इसको फ्राई किया था। हमारा कीमा करेले रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी है, अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, थम्स अप करें, अप्रिशिएट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।